friends, very good morning to all of you. Welcome back. आज food chain का जो topic है वो complete होगा. Last जो इसका portion है with the significance of food chain. अपन पढ़ चुके हैं friends, food chain क्या है और कितने प्रकार का food chain है, the types of food chain. Plus what are the components of the food chain? घटक क्या है फूड चेन के, वो भी अपन कर चुके हैं. तो इन टोटैलिटी जो टोटल टॉपिक है फूड चेन का, उससे रिलेटेड जितने भी पोर्शन है वो कंप्लीट होने के बाद आज जो लास्ट इससे संबंधित पोर्शन है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन, कि फूड चेन का सिग्निफिकेंस क्या है. अगर संक्षेप में इसकी बात करें इन शॉर्ट इन टर्म्स, तो एक्चुअली इन वर्किंग इट्स वेरी वेरी सिग्निफिकेंट अगर फूड चेन की सिग्निफिकेंस की बात करें. लेकिन जब लिखने पर आएंगे तो इट विल बी शॉर्ट बट विद अ ग्रेट मीनिंग. क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन, जैसा बात कर चुके हैं, इस लेवल फ्रॉम वन लेवल टू द नेक्स्ट लेवल, ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी, एंड फूड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज मस्ट सभी इंडिविजुअल्स के लिए. तो फ्रेंड्स, जहां तक सिग्निफिकेंस का सवाल है, तो पहला अगर सिग्निफिकेंस की अपन बात करना चाहें तो सबसे इंपॉर्टेंट है, द फर्स्ट सिग्निफिकेंस इज इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग very important aspect, ecological balance. It helps in maintaining the ecological balance. सबसे important है. तो friends, जो ecological balance है वो ecological balance को maintain करने के लिए food chain plays very important role. सबसे important aspect जो होगा हो गया इसका या होता है वो है significance के रूप में कि इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस. क्योंकि फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी चीज को, क्योंकि प्रोसेस ये है कि इट इज टू बी टू ईट एंड बीइंग ईटन इज द प्रोसेस. तो जब तक ये प्रोसेस नहीं चलेगा बैलेंस नहीं रहेगा. कोई भी चीज अगर ज्यादा हो जाएगी और एक दूसरी चीज कम हो जाएगी तो जो बैलेंस है नेचर का वो डिस्टर्ब हो जाएगा. तो वो डिस्टर्ब ना हो बैलेंस, उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए फूड चेन प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल, और जो है मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस. तो इकोलॉजिकल बैलेंस का मेंटेनेंस इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन. तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी लेवल पर, चाहे प्रोड्यूसर लेवल पर या कंज्यूमर लेवल पर, और इवन ऑल्सो द डीकम्पोजर लेवल पर, अगर डीकम्पोजर लेवल पर भी कोई चीज बढ़ गई या घट गई किसी भी लेवल पर, तो इम्बैलेंस विल बी देयर. तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को ओवरकम करने के लिए, और मेंटेन हम कहें कि इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए पहला सिग्निफिकेंस जो है फूड चेन का इज टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस. सेकंड की अगर बात करें तो जो फूड चेन है वो हमको बताता है अंडरस्टैंड कराने में फीडिंग रिलेशंस, जो अपन बात कर रहे हैं. क्योंकि मैंने डेफिनेशन में फर्स्ट टाइम बताया था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फूड चेन, फूड चेन की डेफिनेशन क्या है. इट इज द प्रोसेस टू ईट इन दिस प्रोसेस एंड ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म और वन लेवल टू अनदर ऑर्गेनिज्म अनदर लेवल. सो पहले ईट करना एंड देन बीइंग ईटन इज द प्रोसेस ऑफ फूड चेन. सो जब सेकंड सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, इट हेल्प्स, पहला तो हो गया इकोलॉजिकल बैलेंस, और दूसरा हो गया इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द फीडिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन द ऑर्गेनिज्म. फीडिंग रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दूसरी चीज मेंटेन करता है, हेल्प्स इन मेंटेनिंग द फीडिंग रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है फीडिंग रिलेशंस अमंग ऑर्गेनिजम्स. किस लेवल पर कौन प्रोड्यूस कर रहा है, वो प्रोड्यूसर किसके द्वारा खाया जा रहा है, वो ऑर्गेनिज्म फिर नेक्स्ट स्टेप तक किसके द्वारा खाया जा रहा है. तो ये जो फीडिंग रिलेशन है आपस में, दैट फीडिंग रिलेशन को मेंटेन करने के लिए, हेल्प करने के लिए फूड चेन अगेन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट रोल, इज द सेकेंड सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन. नेक्स्ट है कि हमने प्रोसेस में देखा, इट इज नॉट बेसिकली ट्रांसफर ऑफ फूड चेन, इट इज नॉट बेसिकली ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी from one level here, one organism level to another organism level. It also circulates the nutrients in the environment. क्या friends? जो वातावरण के अंदर important nutrients मौजूद हैं
उन न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो साइक्लिंग नहीं होगी तो वही बात है कि एक जगह पर चीज पड़ी हुई सड़ जाएगी तो खराब हो जाएगी। रोटेशन एंड मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस न्यूट्रिएंट्स मूवमेंट पहली बात, और एनर्जी फ्लो, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट तो एनर्जी फ्लो, एंड एनर्जी फ्लो के साथ साथ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, जो भी मैंने एग्जांपल लिया न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, तो दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की मेंटेनेंस ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस फूड चेन के प्रोसेस के थ्रू प्रोसेस होती है। तो जब फूड चेन नहीं होगा तो फूड चेन नहीं होने की कंडीशन में जो ये एनर्जी फ्लो है और जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है ये प्रोसेस नहीं होगा, और ये अगर नहीं होगा तो ऑर्गेनिजम्स अपने डेथ के लेवल पर पहुंच जाएंगे। एंड टू मेंटेन एंड टू सप्लाई एनर्जी एंड द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म और वन लेवल टू अनदर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इज द थर्ड सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन। तो जस्ट शॉर्ट रिकैप की बात करें तो सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन इंक्लूड्स क्या क्या, वेरी इंपॉर्टेंटली सबसे पहले तो इकोलॉजिकल बैलेंस को, जो भी पारिस्थितिक की जो बैलेंस है उसको नेचर में मेंटेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फूड चेन। उसके बाद एक दूसरी चीज ये हेल्प करता है मेंटेन करने के लिए, वो करता है फीडिंग रिलेशनशिप। जो फीडिंग रिलेशंस है किसके बीच में, ऑर्गेनिजम्स के बीच में, क्योंकि डेफिनेशन यही है मैंने बोला, तो फीडिंग रिलेशंस जो है ऑर्गेनिज्म के बीच में उसको हेल्प करता है मेंटेन करने के लिए। तीसरा है मैंने बात करी न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और एनर्जी फ्लो जो इस प्रोसेस के थ्रू होता है। तो एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो वो फूड चेन के द्वारा कंप्लीट किया जाता है, और यह इसका तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फूड चेन का है कि द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड द एनर्जी फ्लो उसको कॉन्स्टेंट फ्लो करने के लिए हेल्प करता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट एक टर्म आता है जो सिग्निफिकेंस से करता है, दैट इज बायो मैग्निफिकेशन। तो ये बहुत अच्छी तरह से समझने की बात है कि बायो मैग्निफिकेशन क्या है, व्हाट इज बायो मैग्निफिकेशन। जैसे कि नाम से जाहिर है बायो इज द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज समथिंग जायंट मैग्निफाइड। तो ये कंसेप्ट को बायो मैग्निफिकेशन के इस कंसेप्ट को जो सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन में फूड स्टेप है उसको इस हिसाब से समझा जा सकता है कि डीडीटी का स्प्रे करते हैं एनवायरमेंट में, तो डीडीटी के स्प्रे से बेसिकली इट इज इंसेक्टिसाइड, जो भी इंसेक्ट्स और पेस्ट, बेसिकली इंसेक्टिसाइड ऑब्लिक पेस्टिसाइड की कैटेगरी है, तो पेस्टिसाइड ऑब्लिक इंसेक्टिसाइड की जो कैटेगरी है जिसमें डीडीटी का स्प्रे होता है, वो डीडीटी का स्प्रे भी साथ में जब ये एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होता है लोअर लेवल से लेकर हायर लेवल पर पहुंचता है, तो दिस यूज ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम लोअर ट्रॉपिक लेवल से लेकर और हायर ट्रॉपिक लेवल पर पहुंचता है, दिस प्रोसेस विच स्टार्ट्स जो नीचे ट्रॉपिक लेवल से शुरू होकर ऑर्गेनिज्म से और हायर ऑर्गेनिज्म की तरफ जाता है बायो मैग्निफिकेशन कहलाता है। और एक तो एग्जाम्पल है डीडीटी का, बहुत सारे पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स हैं मौजूद और विद्यमान है, वो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स जो है वो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स इस तरह से रोटेट होकर एनर्जी फ्लो करके न्यूट्रिएंट साइक्लिंग करके और बायो मैग्निफिकेशन के प्रोसेस को अंजाम देते हैं जो लोअर बेस ऑफ लेवल से लेकर हायर बेस ऑफ लेवल तक पहुंचता है। तो फ्रेंड्स ये है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसे कहते हैं सिग्निफिकेंस। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फूड चेन की उपयोगिता क्या है और फूड चेन का मेरिट्स क्या है, बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या है या इसकी महत्वता क्या है। तो जो ये महत्वता है वो ये है फूड चेन की, एक रिकैप फास्ट कि सबसे इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है, दूसरा जो ऑर्गेनिज्म का फीडिंग रिलेशनशिप है आपस में उसको एक्सप्लेन करने के लिए हेल्प करता है, तीसरा जो एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है उस एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को मेंटेन रखने का काम फूड चेन के प्रोसेस के द्वारा होता है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट बायो मैग्निफिकेशन का प्रोसेस जो है कि चाहे इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स हो वो एनवायरमेंट में आ गए उनको लोअर लेवल ट्रॉपिक लेवल से हायर लेवल ऑफ ट्रॉपिक लेवल अपन डिस्कस करेंगे ट्रॉपिक लेवल नेक्स्ट इसमें क्या है, वो प्रोसेस जो बायो मैग्निफिकेशन का है उसको हेल्प और मेंटेन करने का काम
फूड चेन करता है। तो फ्रेंड्स ये है वेरी शॉर्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन। इस तरह से पॉइंट्स में आप एग्जांपल एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर किसी को फिर भी अभी कुछ डाउट है, कुछ पॉइंट समझ में नहीं आए हैं, तो ही और शी कैन आस्क इन कमेंट्स, और नहीं तो इन ग्रुप में मैंने डाला हुआ है, दे आर फ्री टू कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।